सब लोग पीछे से क्लियर। हाँ आएगा रे पाँच यार नीचे हो तो कैमरा बस बरोबर है सारा जी यहाँ पे सेंटर सामने मैडम सर जी चुप काश लो हाँ करते हैं बेबी पीछे अब बेबी लुक या सारा जी राइट सारा जी आप मैम थोड़ा हेयर ऐसा कर लो ना बस क्या बात है हाँ क्या बात है विक्रांत सर यहाँ पे सेंटर सर राइट सेंटर रोल So firstly, congratulations for the guidelines. Response काफी अच्छा आ रहा है. सारा you are looking very good. All three of you are looking very good. Thank you. What would you like to say about the response from the people? I think thank you. Yeah, thank you. And please recommend the film. Share the trailer. And watch the film. And yeah, 31st of March on Disney Plus Hotstar. सर अगर पोस्टर देखे और ऑब्वियसली आप गैस लाइट हाथ में लेके कुछ बता सकते हैं रात के अंधेरे में गैस लाइट लेके कहाँ जा रहे हो आप लोग हम आपके पास आ रहे हैं 31st मार्च को हमारी गैस लाइट लेकर आप अपनी गैस लाइट छोड़कर हमारे पास आ जाइए और देख लीजिए सारा यू वर द फर्स्ट चॉइस ऑफ कास्ट किस तरह से आपको रोल के लिए ऑफर किया एंड क्या कुछ स्क्रिप्ट में आपको ऐसा लगा कि इट्स रियली गुड एंड यू शुड डू द गैस लाइट So, मुझे definitely लगा I should do it and then I did it. Tell us something more about your role. What do I tell you? मैं इतना बोलूँगी आपको कि मैंने जो भी किया है अभी तक as a character या as a genre बहुत अलग है ये film. वीरचेप पर हूँ जैसे आपने देखा है और उसके अलावा भी ये जो एक डरावनी सी दुनिया है एक अलग सा किरदार है तो बहुत ही अलग स्पेस है और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी आप तीनों पहली बारी सस्पेंस थ्रिलर कर रहे हैं शायद तो हाउ इज इट लाइक मतलब किस तरह से सेंसेशन था आपके लिए पहली बार आप कर रही हैं तो आपके लिए सर तीनों के लिए आप बोल दो जी सॉरी कम अगेन मतलब पहली बार आप सस्पेंस थ्रिलर कर रहे हैं तो किस तरह से आपको होता उसका मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी जैसे सारा ने कहा कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी टीम बहुत अच्छी थी जो हमारी टेक्निकल टीम थी वो भी यू नो टॉप नॉच लोग थे यू नो वी हैड द बेस्ट ऑफ पीपल वर्किंग ऑन दिस स्क्रिप्ट एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है फिलहाल एंड लेट्स सी व्हाट द ऑडियंस हैज टू से अबाउट इट सर आप बता रहे थे मुझे पहली बार सस्पेंस थ्रिलर कर रहे कितना एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मैम एज एन एक्टर मेरी हमेशा यही चाहत है और हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं अलग अलग तरह की फिल्में कर पाऊँ अलग अलग किरदारों के रूप में आ पाऊँ और हर रोज़ कुछ अलग और कुछ नया सीख पाऊँ
नहीं मुझे एक्चुअली भी बहुत अच्छा लगा ये करके, एक अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग तरह की दुनिया है. तो उस कैरेक्टर ऑल्सो जो कैरेक्टर है बहुत अगेन अलग है. सॉरी टू यूज़ द वर्ड अगेन एंड अगेन, पर क्लिशे लगता है लेकिन सच में बहुत अलग है. सो बहुत अच्छा लगा. एंड पवन एंड ऑफकोर्स को एक्टर्स इतने अमेजिंग. सो बहुत ही एक प्लेजेंट memorable experience tha as an actor. Sir, as we have seen in the trailer, you are looking forward for your dad, aur kuch mystery hai uspe, uske piche dad ko leke kafi sara zikr hua tha, jaise aapke dad ka kya response tha jaise trailer aaya, and uske pehle bhi jab aap ye shoot kar rahe the us time aapne kuch bataya aapke kirdar ke bare mein, to aapke dad ka kya response tha overall cast wise? Mere dad bahut zyada excited hain, like he is for most of my films. Yes. लेकिन वो पवन सर के साथ और अक्षय सर के साथ काम कर चुके हैं, चित्रा मैम के साथ भी काम कर चुके हैं. तो आई थिंक दैट इस बार वो ज़्यादा एक्साइटेड हैं बिकॉज पवन सर की लास्ट फिल्म में वो थे. इट्स वेरी स्पेशल कि आई एम यू नो वर्किंग सो क्लोज टू माई फादर, यू नो. तो उन्होंने एक्चुअली पवन सर को फ़ोन किया, अक्षय सर को फ़ोन किया और बोला दैट ही एब्सोल्युटली लव्ड द ट्रेलर. तो मुझे अच्छा लगा. विक्रांत जी, जितना भी आपने पास्ट परफॉर्मेंस की मैं बात करूं, जो भी आपके जो प्रोजेक्ट होते हैं काफ़ी सिलेक्टिव होते हैं और काफ़ी मज़ेदार होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसमें क्या कुछ नया देखने मिलेगा आपके पास्ट परफॉर्मेंस? ये रोल हाँ बोलने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? सबसे पहले तो थैंक यू. और कोशिश यही रहती है कि यू नो हर फिल्म के साथ कुछ अलग कर पाऊँ, एज एन एक्टर भी अपने आप को यू नो चैलेंज कर पाऊँ और ऑडियंसिस को भी कुछ नया दे पाऊँ. ऑनेस्टली मतलब जैसे मैम ने कहा कि सॉरी टू यूज़ द सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन, बट मैंने थ्रिलर्स की हैं पहले, बट जो मैंने इस फिल्म में किया है, जो कपिल के साथ मैंने किया है, वो मैंने आज तक नहीं किया है. एंड दैट वॉज प्राइमेरली वन ऑफ द रीजन्स वाई आई सेड यस टू द फिल्म, क्योंकि जी हाँ थ्रिलर्स कर चुका हूँ बट जो ये किरदार है वैसा मुझे आज तक किसी ने ऑफर नहीं किया. एंड दैट वॉज एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर मी टू से यस टू द फिल्म. एंड देन यस पवन एंड सारा एंड चित्रा मैम एंड एज आई सेड you know the wonderful team that made Gaslight. ye jis tarah movie hai to why OTT? Because theaters are now open, there are so many movies that are releasing on theaters, so why on OTT the release? See, I think if you're asking this to me, I really don't think I'm qualified enough to answer this. Mera ye manna hai ki jo film hoti hai wo ek producer ki film hoti hai, it is their prerogative what they want to do with the film. So I think Akshay sir and Ramesh ji are far more qualified to answer this. Yes. Last question. Sir, obviously, आपने अपना career, you know, you started with Kedarnath, फिर Sambhaji, and obviously post COVID everything has changed. और आपने already OTT पे Sambhaji आई थी, जो कि काफी जैसा नाम था वैसी ही उसकी सारी कहानी वाली सब थी. और अब एक और I think ये फिल्म भी आई है जो काफी हटके है. तो आप basically this last 2-3 years की जो आपकी journey रही है as an actress, आई थिंक द लर्निंग्स आर कि सब करो, अलग अलग जॉनर्स करो. मुझे हमेशा से यही चाहती कि मैं हर तरह की फिल्म कर पाऊँ और अब वही कोशिश है कि मैं सीख पाऊँ, अलग 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 जॉनर्स कर पाऊँ और अपने फेलियर्स को अपने आप को डिफाइन ना करने दो, उनसे आगे उठूँ, उनसे ऊपर उठूँ, अपने आप को माफ़ कर दूँ और अभी आगे बढ़ूँ. सर, आपके भाई फिल्मों में आने वाले, जैसे बहुत साल से चर्चा है, तो कभी एग्जैक्टली आ रहे? आपको जल्द पता चल जाएगा. कुछ है मैं कुछ नहीं बोल सकती. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. यू आर नोन फॉर द ऑब्जेक्ट सिनेमा काइंड ऑफ रोल, तो यहां पर मतलब इस फील्ड में भी ग्लैमरस काइंड ऑफ रोल, तो इज दैट एन करियर पाथ चेंज? और मतलब अगर ये ग्लैमरस नहीं भी होता पार्ट, आई वुड हैव डन इट टू बी ऑनेस्ट. बहुत ही अमेजिंग पार्ट है, राइटिंग सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लिखे हैं. मैंने इस तरह की थ्रिलर नहीं करी है, यू नो लाइक अ मर्डर मिस्ट्री. सो या दैट्स इट. ये लोग मुझे गाली देंगे.